हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री जीपी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग जनरल एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे और जनरल एग्रीकल्चर में हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन रहने वाला है वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर पे है। तो हम लोग समझेंगे व्हाट इज ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे ही आप लोग जो है ड्राई लैंड के बारे में सोचते हैं या फिर सुनते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि एक ऐसी खेती जहाँ पे मॉइस्चर बिल्कुल है ही नहीं, जहाँ पे जो सॉइल है वो बिल्कुल ड्राई है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि बिना जो है मॉइस्चर के, बिना वाटर के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसा कि आप देखते हैं, मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए उसको पाउडर फॉर्म में जो है बना करके रखते हैं, वो काफ़ी दिनों तक प्रिजर्व किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं है, तो माइक्रोब्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो अगर मॉइस्चर नहीं है, अगर वाटर नहीं है, तो सर्वाइवल जो है नहीं संभव है। कोई भी, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे जो भी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव नहीं कर सकता विदाउट वाटर। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जो है ये इसलिए नहीं यूज किया जा रहा है कि यहाँ पे जो है मॉइस्चर नहीं है या फिर यहाँ पे जो है पानी नहीं है, वाटर नहीं है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का मतलब है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इंटायरली ऑन रेनफेड कंडीशन। रेनफेड मतलब जहां पे वर्षा आधारित जो है चीजें हों, वर्षा आधारित खेती। तो जब हम जो है वाटर की बात करते हैं, जब हम वाटर की बात करते हैं और वाटर के सप्लाई की बात करते हैं कि पौधों को किस तरीके से वाटर सप्लाई हो रहा है, तो वो दो तरीके से पौधों को वाटर सप्लाई हो सकता है। या तो हम आर्टिफिशियल जो है तरीके से वाटर सप्लाई करें पौधों को, जिसको बोलते हैं इरिगेशन, या तो फिर जो है नेचुरली रेनफॉल के द्वारा जो है पौधों को पानी मिल जाए। ठीक है, तो दो तरीके हो सकते हैं जिससे जो है पौधों को पानी मिल सकता है, वाटर सप्लाई हो सकती है। तो देखिए, आर्टिफिशियल, जैसे कि हम जानते हैं इरिगेशन का जो डिफिनीशन होता है वही होता है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स फॉर देयर बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जब हम फसलों को आर्टिफिशियली वाटर सप्लाई करते हैं, उसी को क्या कहते हैं भाई? इरिगेशन कहते हैं। तो ये एक प्रकार से इरिगेटेड एग्रीकल्चर हो जाएगी, ये जो है ये इरिगेटेड एग्रीकल्चर हो जाएगी, और ये जो है ये रेनफेड एग्रीकल्चर हो जाएगी या फिर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हो जाएगी। तो ऐसी खेती जहाँ पे हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं है, हम जो है टोटली खेती के लिए किस पे डिपेंड है? रेनफॉल पे डिपेंड है, बारिश पे डिपेंड है, तो उसको क्या कहते हैं? रेनफेड एग्रीकल्चर कहते हैं या फिर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहते हैं। इसीलिए यहां पर डिफिनेशन में लिखा हुआ है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इंटायरली इन द रेनफेड कंडीशन। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे भाई? ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहेंगे या फिर रेनफेड एग्रीकल्चर कहेंगे। अब रेनफेड एग्रीकल्चर या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जो है ये तीन तरीके की हो सकती है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर या फिर रेनफेड एग्रीकल्चर जो है ये तीन तरीके की हो सकती है। ठीक है, देखिए हम लोग देखते हैं भाई कौन कौन से तीन जो है इनके प्रकार हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रकार है वो है ड्राई फार्मिंग। क्या है? ड्राई फार्मिंग। और दूसरा जो है वो है ड्राई लैंड फार्मिंग। थर्ड जो है वो है रेनफेड फार्मिंग। अब रेनफेड फार्मिंग और रेनफेड एग्रीकल्चर में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा भाई।
रेनफेड एग्रीकल्चर का मतलब है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, और रेनफेड फार्मिंग का मतलब है ऐसी फार्मिंग जहां पे जो वर्षा है वो 1150 mm से ज्यादा हो। ठीक है, तो अभी समझेंगे। तो देखिए, ड्राई फार्मिंग का मतलब होता है कि ऐसा फार्मिंग सिस्टम जहां पे लेस देन 750 mm जो है बारिश हो रही हो। तो ऐसी कंडीशन या फिर ऐसी जो है फार्मिंग जहां पे जो वर्षा हो रही है वो एनुअली जो है 750 mm हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई? ड्राई फार्मिंग कहेंगे, उसको हम ड्राई फार्मिंग कहेंगे। देखिए, ये तीनों बारिश पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि हमने कहा है आपको पहले ही, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का मतलब ही है ऐसी खेती, ऐसी एग्रीकल्चर जो कि वर्षा पे आधारित हो, जहाँ पे इरिगेशन की किसी प्रकार की कोई फैसिलिटीज ना हो, ना तो ट्यूबवेल हो, ना बोरवेल हो, ना कैनाल हो। ठीक है, तो वो किसी तरीके की फैसिलिटीज नहीं होगी। हम टोटली डिपेंडेंट किस पे होंगे? वो बारिश पे होंगे, रेनफॉल पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो एनुअली लेस देन 750 mm है, यहाँ पे 750 mm से ऊपर, लेकिन 1150 mm से नीचे। ठीक है, 1150 mm से नीचे, मतलब 750 mm से लेकर के 1150 mm तक बारिश जो होगी वहां पे ड्राई लैंड फार्मिंग होगी। ठीक है, अच्छा, मोर देन अगर 1150 mm है तो फिर ये हो गया भाई रेनफेड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग। अब देखिए, चूंकि यहां पे क्या है, लेस देन 750 mm है बारिश, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे देखिए, सॉइल का जो इरोजन है, जो सॉइल का इरोजन है वो किसके थ्रू होगा भाई? विंड के थ्रू होगा। क्योंकि बारिश है नहीं तो मिट्टी कैसी होगी? सूखी होगी। मिट्टी कैसी होगी भाई? सूखी होगी। जब सूखी मिट्टी होगी तो हवा चलने से क्या होगी भाई? उड़ जाएगी। तो क्या होगा? विंड के थ्रू जो है इरोजन होगा, विंड के थ्रू इरोजन होगा। यहां पे जो है विंड इरोजन एंड वाटर इरोजन दोनों होंगे, विंड इरोजन एंड वाटर इरोजन दोनों होंगे। अच्छा, यहां पे देखिए, मोर देन 1150 mm जो है बारिश हो रही है, तो इसका मतलब यहां पे जो इरोजन होगा, सॉइल इरोजन होगा, वो किसके द्वारा होगा भाई? वाटर के द्वारा होगा, वो वाटर के द्वारा होगा। अच्छा देखिए, यहां पे क्या है भाई, हमने कहा कि यहां पे लेस देन 750 mm जो है बारिश हो रही है, इसका मतलब बहुत कम बारिश हो रही है, बहुत कम बारिश हो रही है। तो यहां पे क्रॉप फेल्योर जो है वो ज्यादा होगा, मोर होगा। ठीक है, क्यों होगा? ड्यू टू लॉन्ग या फिर प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल, जो सूखा जो है, सूखा काल जिसको बोलते हैं, जहां पे मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती है कि भाई बारिश भी नहीं हुई, क्योंकि बारिश भी कम हो रही ना, तो लगातार अगर बारिश नहीं हुई काफी दिनों तक तो क्या होगा? क्रॉप जो है फेल हो जाएगी। ठीक है, क्रॉप डैमेज हो जाएगी सूखे की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे मोर चांस होते हैं, यहाँ पे लेस चांस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेस चांस होते हैं क्रॉप फेल्योर के या फिर ड्राई स्पेल के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1750 से लेकर के 1150 mm तक बारिश हो रही है। अच्छा, यहाँ पे वेरी लेस होता है भाई, ड्राई स्पेल की वजह से बहुत ही कम चांस होते हैं कि यहाँ पे फसल जो है खराब होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लेस देन 750 mm बारिश हो रही है, तो ये देखिए, ये इस तरीके की जो खेती होती है वो एरिड रीजन में होती है। कहाँ पे होती है भाई? एरिड रीजन में होती है, एरिड रीजन में होती है। और ये जो खेती होती है ये सेमी एरिड रीजन में होती है, ये जो है सेमी एरिड रीजन में होती है। और ये जो है ये भाई ह्यूमिड रीजन में होती है, ये ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन में होती है, ये खेती जो है ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड जो है रीजन में होती है। नेक्स्ट देखिए भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे बारिश जो है कम हो रही है, बहुत कम हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे ड्रेनेज की व्यवस्था करने की किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ ड्रेनेज, जल निकास करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मे बी रिक्वायर्ड, तो ड्रेनेज जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 750 से लेकर के 1150 mm तक बारिश हो रही है।
यहाँ पे रेनफेड कंडीशन में क्या है, मोर देन 1150 बारिश हो रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भाई ड्रेनेज की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, ड्रेनेज रिक्वायर्ड, ड्रेनेज जो है रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब इतनी कम बारिश हो रही है, जब इतनी कम बारिश हो रही है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि कम से कम समय काल में फसल जो है मैच्योर हो जाए, फसल जो है मैच्योर हो जाए। तो यहाँ पे हम लगाते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन वाली, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फसलें लगाते हैं, और जिनको जो है ड्राट पसंद हो, ठीक है, जिनको ड्राट पसंद हो, यहाँ पे हम जो है जैसे कि थोड़ा सा जो ड्राट लविंग फसल हो, या फिर जो है मीडियम कंडीशन में ग्रो हो सके, ऐसी फसल लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मोस्टली जैसे हम कहें कि सॉर्गम हो गया भाई, सॉर्गम लगा सकते हैं, पर्मिलेट लगा सकते हैं, ये फसलें लगा सकते हैं। यहाँ पे हम सनफ्लावर हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम सनफ्लावर हो गया, और सैफ फ्लावर हो गया, कॉटन हो गया, इन सभी फसलों को उगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम डिफरेंट तरीके की क्रॉप्स को जो है उगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे नमी बहुत कम रहेगी, क्योंकि बारिश जो है बहुत कम हो रही है, तो यहाँ पे केवल सिंगल क्रॉप जो है उगाई जाएगी भाई, सिंगल क्रॉप उगाई जाएगी, और मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी सिंगल क्रॉप ही उगाई जाएगी, लेकिन हम लोग इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इंटरक्रॉपिंग इसलिए हो सकती है, एंड डबल क्रॉपिंग हो सकती है भाई, हम दो से अधिक जो है क्रॉप यहाँ पे लगा सकते हैं, दो या दो से अधिक क्रॉप को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी होगी वो हमेशा 100% होगी, ये भी हम 100% होगी, लेकिन यहाँ पे जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी होगी वो 200% होगी, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एक ऐसी खेती है, एक ऐसी एग्रीकल्चर है, जहाँ पे जो कल्टीवेशन है क्रॉप्स का वो टोटली इस बात पे डिपेंड होता है कि रेनफॉल कितनी हो रही है, मतलब हम टोटली डिपेंडेंट होते हैं रेनफॉल के ऊपर, हम इरिगेशन की हमारे पास फैसिलिटीज नहीं होती हैं, आर्टिफिशियल वाटर देने की फैसिलिटीज नहीं होती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर तीन तरीके की हो सकती है, एक तो ड्राई फार्मिंग, दूसरी ड्राई लैंड फार्मिंग, तीसरी जो है रेनफेड फार्मिंग, ठीक है। तो ये जो फार्मिंग का ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लेस देन 750 mm जो है बारिश हो रही है, यहाँ पे 750 to 1150 mm बारिश हो रही है, यहाँ पे मोर देन 1150 mm बारिश हो रही है। यहाँ पे चूंकि बारिश कम हो रही है तो मिट्टी सूखी रहेगी, तो हवा के झोंकों से उड़ेगी, तो यहाँ पे विंड इरोजन होता है। यहाँ पे चूंकि बारिश भी सफिशियंट हो रही है, तो विंड इरोजन के साथ साथ वाटर इरोजन भी होगा, और यहाँ पे मोस्टली बारिश हो रही है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे वाटर इरोजन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्रॉप फेल्योर जो है ज़्यादा चांस हो सकता है, क्योंकि ड्राई स्पेल सूखा काल जो है ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे क्रॉप फेल्योर के थोड़े कम चांस बनते हैं, और यहाँ पे बहुत कम चांस बनते हैं ड्यू टू ड्राई स्पेल, ठीक है। ड्राई स्पेल नहीं होगा, कम से कम होगा, इसलिए यहाँ पे जो है रेनफेड फार्मिंग में कम से कम जो है क्रॉप फेल्योर के चांसेस होते हैं। अब देखिए, एरिड रीजन में ये फार्मिंग होती है, ये सेमी एरिड में फार्मिंग होती है, और ये ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन में होती है। ड्रेनेज की व्यवस्था करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बारिश ही बहुत कम है, यहाँ पे ड्रेनेज की व्यवस्था करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, यहाँ पे तो ड्रेनेज की व्यवस्था आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बारिश जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप लगाएंगे, यहाँ पे हम मीडियम ड्यूरेशन वाली क्रॉप लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंट हैबिट वाली क्रॉप को लगा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मोस्टली सिंगल क्रॉप लगाएंगे, यहाँ पर भी सिंगल क्रॉप लगाएंगे, यहाँ पे दो या दो से अधिक क्रॉप लगाई जा सकती हैं, क्योंकि बारिश जो है सफिशियंट हो जा रही है, ठीक है। तो ये अभी आपको समझ में आ गया भाई, ठीक है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हमने समझ लिया। अच्छा, ये जो तीन प्रकार हैं ये जनरल जो है हम लोग क्लासीफाई करते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड
इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन, सोशल कमीशन ऑन एशिया, ऑन एशिया एंड पैसिफिक, एशिया एंड पैसिफिक रीजन, इनके अनुसार जो है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को दो भाग में डिवाइड किया गया है। इनके अनुसार ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो दो पार्ट में कौन कौन से हैं भाई? देखिए, एक तो है ड्राई लैंड, ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग। दूसरा है रेनफेड फार्मिंग, दूसरा है रेनफेड फार्मिंग, ठीक है, दूसरा है रेनफेड फार्मिंग। तो इनके अकॉर्डिंग जो है ड्राई लैंड फार्मिंग वहाँ पे की जाती है, या फिर ड्राई लैंड फार्मिंग ऐसी फार्मिंग है जहाँ पे जो बारिश होगी वो लेस देन 800 mm होगी एनुअली, और यहाँ पे मोर देन 800 mm होगी एनुअली। एनुअल जो है जो रेनफॉल होगी वो यहाँ पे लेस देन 800 mm होगी और यहाँ पे मोर देन 800 mm होगी। अब यहाँ पे देखिए मॉइस्चर अवेलेबिलिटी जो रहेगी, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी जो रहेगी, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी जो रहेगी यहाँ पे जो है शॉर्टेज रहेगी। इसकी क्या रहेगी भाई? शॉर्टेज रहेगी, क्योंकि ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है तो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी की शॉर्टेज रहेगी, और यहाँ पे जो है इनफ, पर्याप्त मॉइस्चर जो है यहाँ पे रहेगी। इस कंडीशन में पर्याप्त मॉइस्चर रहेगी, यहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबिलिटी की शॉर्टेज रहेगी। नेक्स्ट देखिए भाई, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं, तो ड्राई लैंड फार्मिंग जो है ये कहाँ कहाँ पे होगी भाई? एरिड रीजन में होगी, ये जो है एरिड रीजन में होगी एंड सेमी एरिड रीजन में होगी, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में होगी, और साथ ही अपलैंड, अपलैंड रीजन ऑफ, अपलैंड रीजन ऑफ ह्यूमिड, ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड, एंड सब ह्यूमिड कंडीशन, ठीक है। तो देखिए ये जो है एरिड रीजन में भी होगी, सेमी एरिड रीजन भी होगी, और जो अपलैंड है, अपलैंड रीजन है, ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन के जो अपलैंड हैं, अपलैंड एरिया हैं, अपलैंड एरिया जो हैं वहाँ पर भी जो है ये खेती होगी, ड्राई लैंड फार्मिंग जो है वहाँ पर भी होगी। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पे होगा भाई? ह्यूमिड रीजन में होगा, ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन में होगा, ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन में ये होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम फसलें लगाएंगे वो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली लगाएंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली लगाएंगे। यहाँ पे हम डिफरेंट ड्यूरेशन वाली क्रॉप को लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे जो क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी होगी वो 100% होगी, और यहाँ पे 200 एंड मोर भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो मेजर कॉन्स्टेंट रहेंगे, जो बाधाएं रहेंगी, जो हिंड्रेंस रहेंगी, वो क्या रहेंगी भाई? यहाँ पे देखिए वाटर एंड विंड, वाटर एंड विंड दोनों जो है रहेंगी प्रॉब्लम, क्योंकि इन्हीं से जो है सॉइल इरोजन होगा। यहाँ पे वाटर जो है मेन हिंड्रेंस रहेगा, मेन जो है एक प्रकार से कॉन्स्टेंट रहेगा, बाधा रहेगा, जो कि सॉइल इरोजन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक रीजन्स के द्वारा जो है ये क्लासिफिकेशन दिया गया ड्राई लैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लगभग लगभग सारे एस्पेक्ट जो है समझ लिए ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।